नाम आया गिरिराज, ये बड़ाई भंडार। तो अभी दो चार दोस्त लोग आए हुए टेस्ट करने के लिए कि भाई कैसा टेस्ट है, तो देख सकते ये है गिरिराज और ये जो है कालीगर जो है बना रहे हैं, और नमकीन वगैरह भी रखे हैं खूब सारे। ये जो है बिल्कुल जो भरतपुर में बनता है वैसे बना रहे हैं, भरतपुर स्टाइल में। तो कौन से और कैसा चल रहा है देख सकते हैं, कड़ी है, चटनी है, ये मीठी चटनी है। तो ये देख सकते हैं सारे दोस्तों जो है खा रहे हैं, ये है। एक नंबर है। कैसा लग रहा है मामा जी? मस्त है, मस्त है। कैसा लग रहा है टेस्ट? बढ़िया, बहुत टेस्टी सब, और शानदार, बहुत शानदार है। तो भूपेंद्र जी बताइए कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, और इतने हाइजेनिक और क्लीन, इतने स्वादिष्ट आज तक हमने कभी भी कहीं खाया भी नहीं है। वैसे तो मैं कचौरी खाता नहीं हूँ तेल की चीज़ें, लेकिन जैसे ही हाथ में आई खुशबू और सुगंध से रहा नहीं गया मैं। वाह वाह। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका भला हो ना हो लेकिन हमारा भला जरूर होगा। अगले 10,000 सब्सक्राइब में रतन जी हमारे को होटल हाईवे किंग में पार्टी देंगे। और दिलीप जी बताइए कैसा लगा? एकदम मस्त, जो टेस्ट है ना भाई साहब, मैं मन कर रहा है कि एक और लो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और एक ले जरूर आइए। ये कौन सी जगह है भैया? दावास रोड है। कौन सा? निम्बार्क मंदिर के पास, पास में एसआरजी हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट में है। जरूर आइए, आके एक बार जरूर विजिट कीजिए, बहुत टेस्टी है। और भूपेंद्र जी चाय, आप चाय के बारे में कुछ बोलिए, चाय कैसा है? चाय बड़ा मस्त है, मस्त है, नंबर वन। तो ये बड़ाई बन रहा है, उसके बाद फिर ये बड़ाई टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बन रहा है। तो अभी जो है आधा भगोना जो है सेल्टा चुके हैं ये लोग। अभी बाकी सेल्टाना बाकी है, और इधर कालीगर जो है ये बनाए जा रहे हैं। तो हमारा ये सन्नी भैया जो है एकदम सर्विस में बिजी है। पैक करनी है?